हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। हम सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली क्या पढ़ेंगे? मीन, मोड और मीडियन के बारे में, ठीक है। एक का करके पढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो, ठीक है। तो मीन, सबसे पहले मीन का दूसरा नाम स्टैटिकल एवरेज भी कहा जाता है। इसमें जितने भी वैल्यूज होते हैं सबको ऐड करके जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यू। अब इसका एग्जांपल एक दे देते हैं, जैसे कि क्या है, 2, 4, 5 है, तीन वैल्यू है। तो क्या करेंगे, इसको 2 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, तीन नंबर है ना, 3। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो एवरेज निकालने में या मीन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको स्टैटिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको कहते हैं सम, सम ऑफ एक्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई जितना नंबर है, तो इसको एन से डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन में हम दो तरह से सॉल्व करेंगे, या तो इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, तो ऑड की तरह देखेंगे, ऑड या इवन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसको ऑड और इवन की तरह सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, इसको क्या किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। उसके बाद जो उसका मिडिल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एग्जांपल में बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए लिखा रहे 2, 5, 15, 10, 4, तो इसको इसी तरह डिवाइड करिएगा, नहीं, ये पहले है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, ये है हमारा ऑड, ठीक है। इसको पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे। चलिए असेंडिंग, छोटे से बड़े, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 15 आता है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या कहते हैं, जो मिडिल वैल्यू है, ये मिडिल नहीं है, ये मिडिल नहीं है, तो मिडिल कौन सा हो गया, 5, मतलब 2 इधर से या 2 इधर से हटा दिया, बीच वाला जो है वो क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इवन के बारे में समझते हैं, ठीक है। इवन में क्या है, तो जैसे कि नंबर दिया हुआ है 2, 6, 15, 10, 4, 20, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, 2, 4, 6, 10, 15, 20, उसके बाद बीच वाला करेंगे, ठीक है। तो बीच वाला मतलब कि इधर से 2, ये दोनों गया, अब ये दोनों बच गया, तो ये वाला को क्या करेंगे, जो बीच में 2 को बच गया उसको ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फिर ये हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ है, अगर वैल्यू क्या रहा, ऑड रहा, तो हम क्या करेंगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, जो अरेंज रहेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो n+1/2 लिखा जाता है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहा तो। अगर यही इवन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो इवन में मेनली हम क्या करेंगे, तो उसमें मीडियम में 2 मिडिल मोस्ट आएगा, तो दोनों को क्या करेंगे, n/2 कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, n/2, ठीक है। अब n क्या है, तो नंबर्स, जैसे कि आपको बता रही हूँ एग्जांपल, ये दूसरा तरह से फॉर्मूला बताया, जैसे कि हम तो ऐसे 2, 5, 15, 10, 4, ठीक है, इसको अरेंज किए तो क्या हो जाएगा, 2, 4 अरेंज करके बताते हैं क्योंकि ये समझना है, 2, 4, 5, 10, 15। इसका अगर हमको निकालना रहेगा कि मीडियन कौन सा है, तो क्या फार्मूला है, n+1/2, ठीक
ठीक है, एन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 + 1 / 2 कितने हो गए, 3, तो 1 2 तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ है तो आप कौन किनने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे तो कम है तो इधर से 2 निकाले, इधर से 2 निकाले, बीच में हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला वाइज जाएँ तो क्या हो जाएगा, n + 1 / 2। अगर इवेन रहा तो जैसे कि 2 4 6 10 15 20 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो इसको क्या करेंगे, n / 2 करेंगे, तो 6 / 2 कितना हो गया, 3 हो गया। और क्या करेंगे, n / 2 + 1 कर देंगे, तो n कितना है, 2 2 4 2 6 6 / 2 + 1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका मेनली मीडियन निकल जाएगा इवन नंबर का, और फिर वो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आते हैं मोड के बारे में, समझते हैं क्या MOD मोड के बारे में। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, याद रखिएगा, क्या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। ठीक है, तो अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 3 5 15 10 4 3, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक 5 रिपीट हुआ है, नहीं 15, नहीं ये नहीं है, मतलब 3 रिपीट हुआ है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू 3, जो ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक है, अब यही मान लीजिए कि एक और 5 आ जाए, तो 2 रिपीट हुआ है, तो इसको फिर बाई मोडल कहेंगे, और ये हो जाएगा 3 और 5। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देके उसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि किसी स्कूल में 9 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उनका मार्क आया 9 1 3 3 0 4 8 7 6, 10 में इतना मार्क्स आया। तो अगर कोई मीन निकालने कहेगा तो क्या होगा, मीन इक्वल टू क्या बोला था, जितना है सबका सम वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यू, तो 9 + 1 + 3 + 3 + 0 को तो छोड़ दीजिए, 4 + 8 + 7 + 6, ठीक है इधर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई कितने टोटल नंबर थे, 9, तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाता है 41 41 / 9, तो क्या हो गया, 4.5 हमारा मीन निकल गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर हमें यही इसका ये मीडियन निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो मीडियन में हमने क्या कहा था, पहले हम इसको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए पहले अरेंज करते हैं, तो अरेंज किए तो 0 1 3 3 4 6 7 8 और 9 आएगा। अभी क्या है, 9 स्टूडेंट है, मतलब ये क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ऑड में क्या था, अगर फार्मूला से जाएं तो फार्मूला से अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 / 2, पाँचवा नंबर, 1 2 3 4 पाँचवा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें मोड देखें तो मोड जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 9 रिपीट हुआ है, नहीं 1 रिपीट हुआ है, नहीं 0 रिपीट हुआ है, नहीं 4 रिपीट हुआ है, नहीं 8 हुआ है, 7 हुआ है, 3 हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इवन ऑड का देखे, अब इवन देख लेते हैं। मान लीजिए कि अब 10 स्टूडेंट का हम मार्क्स देख रहे हैं, कितना आया, 9 आया, 1 आया, 3 आया, 3 आया, 0 आया, 4 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया और 9 आया।
तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन में वही करेंगे सबका टोटल, तो 50 आएगा तो जोड़ेंगे तो, और डिवाइड कितने नंबर थे तो 10 नंबर थे, तो ये निकल गया 5। मीन निकालने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब बात आती है मीडियन की तो सबसे पहले हमें इसे अरेंज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो पहले इसको डिलीट कर देती हूँ फिर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अरेंज करने में हम कैसे करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग क्वेश्चन में आ सकता है, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए अरेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 0 1 3 3 4 6 7 8 9 9। तो अब इसका क्या फॉर्मूला था, एन वाई टू और एन प्लस वन वाई टू। ठीक है, तो देखिए 9 10 है ना, तो 10 का इधर से 4 गिन लीजिए और इधर से 4 गिन लीजिए, बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा, मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला मीडियम तो 2 है, हमको 1 लाना है, तो 4 + 6 / 2 5 आपका मीडियन हो जाएगा। फिर हम मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रिपीट सबसे ज़्यादा कौन कौन सा हुआ है, तो 3 हुआ है रिपीट और 9 हुआ है रिपीट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बाई मोडल कहने का जब ग्राफ में देखिएगा ना, तो इस तरह का होगा। ठीक है, अगर इसको यूनी मोडल में लाना है तो जो 2 नंबर आया वो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यूनी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब अगर कोई पूछे कि मीन, मीडियम और मोड तीनों में ज़्यादा कौन होता है, तो तीनों में ज़्यादा होता है मीन, उसके बाद मीडियम, उसके बाद मोड होता है नॉर्मल स्टैटिकल में, जो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है मोस्ट प्रिफरेबल मीजर्स कौन सा है, मीन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए जब कर्व की बात कर लिए तो कर्व के बारे में देखते हैं। नॉर्मल गॉसियन कर्व, क्या नॉर्मल गॉसियन कर्व ये कैसा होता है, तो इस तरह से एक सीधा लाइन खींचिए, इस तरह से एकदम इक्वल रहेगा दोनों तरफ, इधर जितना रहेगा डिस्टेंस इधर भी उतना ही डिस्टेंस, अगर 20 से कर दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। ठीक है, जिसमें सब कुछ बराबर, ये एक दूसरे पे कॉन्साइड करते हैं। लेकिन जब अगर यही जो वैल्यू है राइट या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, तो देखिए इस तरह से अगर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये लेफ्ट एस्क्यू करेंगे, ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ कर्व भाग रहा है ना, तो इसको हम लेफ्ट एस्क्यू कहेंगे। ठीक है, अगर यही कर्व इस तरह से भागे, कर्व किधर है ज़्यादा, राइट की तरफ, तो इसको हम राइट एस्क्यू या पॉजिटिव एस्क्यू कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेफ्ट या निगेटिव एस्क्यू हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है मोड, फिर मीडियन, फिर मीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा मोड, मीडियन और फिर मीन। और अगर पॉजिटिव कर्व रहा तो उसका अपोजिट मीन, मोडियम, मोड। तो एक चीज़ तो इसमें से कन्फर्म है, ये जो मीडियन है वो दोनों में क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या में आएगा, तो मीन और मोड में। ठीक है, अब देखिए जिसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ओ आ रहा है तो उसमें ओ नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, ऐसे याद रख कर लीजिए, लाइक एक दूसरे को दूर भगाता है ना, तो मोद में ओ है तो वो उसको दूर भगा देगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही जैसे निगेटिव में ई है तो वो ई वाला को दूर भगा देता है, ठीक है, ओ वाला को पास ले आता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मीन, मीडियम, मोड होता कैसे, जैसे कि
हम ग्राफ बनाते हैं, इस तरह का ग्राफ बनाए, ये लेफ्ट कर्व है। तो इस तरह से तीन आते हैं, ठीक है। इधर वाला क्या होगा, मीन होगा, फिर मीडियम होगा, फिर मोड होगा, कौन सा, लेफ्ट वाले कर्व में। और अगर राइट वाले कर्व में बनाए तो क्या होंगे, ये होंगे मोड, राइट कर्व बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा मीडियन, ये मोड, ये मीडियम, और फिर ये हो जाएगा हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोड में एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि इसमें बाय मोडल, जैसे ये बाय मोडल सीरीज में क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये कैसे हम निकालेंगे, तो ये आपको पता है मोड में होता क्या है, तो इसमें बार बार जो वैल्यू आते हैं वो, जैसे कि एग्जांपल के लिए 3, 5, 15, 10, 4, 3, तो इसमें हमारा कौन सा है, मोड 3 है, ठीक है। अगला देखिए 3, 5, 15, 10, 4, 3, 25, तो इसमें मीन कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी मोड 3 और 5, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई मोडल कहेंगे, ठीक है। और इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, इसमें मोड कितना आ जाएगा, तो 5 + 3 / 2 इसका तो 4। तो बाय मोडल को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगर कोई पूछेगा मोस्ट अफेक्टेड आउटलाइनर कौन सा होता है, तो मोस्ट अफेक्टेड आउटलाइनर मीन होता है, और लीस्ट अफेक्टेड तो मीडियन होता है, और मोस्ट प्रिफरेबल सेंट्रल टेंडेंसी किसका होता है, तो मीडियन, क्योंकि वो हमेशा बीच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आउटलाइनर को। अब देखिए कुछ टर्म है, टर्टाइल, क्वार्टाइल, ये सब होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, 1/3, मतलब कि 3 भाग में ये पहला भाग है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्टाइल। और यही अगर इसको एक और भाग कर दीजिए, तो ये कितना भाग हो गया, चौथा भाग हो गया, 1, 2, 3, 4 चौथा में, तो इसको 1/4 फिर लिखेंगे, तो ये कहला जाएगा फिर ये वाला पार्ट, फिर कहला जाएगा ये क्वार्टाइल, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, मीन में क्या किए थे, जितना भी ये सम हुआ था, ऑब्जर्वेशन का सम किए थे, उसको डिवाइड किए थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मीडियम में पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में डाले थे, उसके बाद उसका बीच वाला वैल्यू देखे थे। मोड में क्या देखे थे, जो सबसे ज़्यादा हो रहा था वो वाला टर्म, ठीक है। नॉमिनल को मोड कहते हैं, ऑर्डिनल को मीडियन कहते हैं, और मेट्रिक को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए यही पढ़ा रहे थे वेरियस लोकेशन के बारे में, जैसे कि टर्टाइल है, तो ये क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कितना नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन है और कितना नंबर ऑफ इंटरसेप्ट है। तो ये एक लाइन है, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, ये जो बांटते हैं इसको हम इंटरसेप्ट कहते थे, 2 इंटरसेप्ट में 3 भाग बच जाता है, ठीक है। इसको हम टर्टाइल लिखते हैं, अगर 4 रहेगा तो हम 3 लाइन खींचेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 4 भाग होगा, ठीक है। वैसे ही 5, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, एक एक कम हो जाएंगे जितना लिखा हुआ रहेगा। हेक्सटाइल में ये 5 इंटरसेप्ट, हेप्टाइल में 6 इंटरसेप्ट, ऑक्टाइल में 7, डेक्टाइल में 9, और सेंटाइल, सेंटाइल 100 को कहते हैं, तो 100 में कितने इंटरसेप्ट होंगे, तो मेनली 99 इंटरसेप्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है,
अगर इसका हिंदी में लिखे ना तो तीसरवा भाग, चौदहवा, चौथवा भाग ऐसे बोला जाता है, पाँचवा भाग। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक केक लीजिए, एक आप एक केक आया है और आप लोग कितने हैं, तीन लोग हैं, तो इसको आपको तीन इक्वल पार्ट में बांटना होगा। तो कितना लाइन खींचिएगा, मेनली इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक भाग ये आपका दोस्त, एक आपका दोस्त, एक ये आपका दोस्त, तीन भाग में बता जाएगा ना, यही कहलाता है। अब आपके एक दोस्त को कितना मिलेगा, 1/3, मतलब तीन टुकड़ा में एक टुकड़ा किसको मिलेगा, दोस्त को। तो इसी को हम तलताइल कहते हैं। डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंटू 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, जिसमें इंटरसेप्ट कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तलताइल T1 जो होगा वो कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन, 1:2, और T2 कितना होगा, तो 2:1, इस तरह से चलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होंगे, तो इसमें मिली 4 होंगे, यहाँ से यहाँ तक 25 कहलाएगा, ये 50, ये 75, ये 100। तो अगर कोई पूछे कि ये जो है पहला इंटरसेप्ट को हम Q1 कहे, Q1 कितना हो जाएगा, 1:3। QT कितना हो जाएगा, तो QT कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 50 आ गया ना, 50/50, तो क्या हो जाएगा, 1:1, ये कितना आ जाएगा, तो 75 है, 75 को 25 से कर दिए तो 3:1। मतलब क्या किया है, जो ज़्यादा है, मैंने पहला में ज़्यादा कितना है, और पहले यहाँ पे अपना लिख देना है, ठीक है, उसके जितना ज़्यादा है 75 उतना लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, 1:3, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाएगा, 50 में अगर सिंपल सा अगर भाषा में समझे ना, तो इस तरह से कर दीजिए, ये 50% है ना, तो दोनों 50-50 1:1 ही होगा ना, इक्वल बात में भाग में बात देगा। 75 में क्या होगा, इधर वाला 3 हो जाएगा, इधर वाला 1 हो जाएगा, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बता दिया है, Q1 में क्या हो गया, इधर 25 हो गया, इधर 75 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। Q2 में इधर भी 50, इधर भी 50, मतलब 1:1 दोनों तरफ बराबर है। Q3 में क्या हो गया, इधर 75 हो गया, इधर 25 हो गया, तो 3:1 हो जाएगा। ये तो सिंपल है समझने में, ठीक है। पेंटाइल में क्या होगा, तो इसमें मेनली क्या हो जाता है, 5 भाग इक्वल बनते हैं, तो इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे, तो 4 इंटरसेप्ट, 1, 2, 3, 4, इसको P1 बोला जाएगा, इसको P2, इसको P3, इसको P4, फिर से वही निकालना रहेगा। अगर P1 को निकालना रहेगा तो इधर एक भाग, इधर 1, 2, 3, 4 भाग, तो इधर हो जाएगा 1:4। अगर P2 निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 2 भाग, इधर 3 भाग, तो हो जाएंगे 2:3। अगर P3 निकालना रहेगा तो इधर कितने भाग होगा, 1, 2, 3 भाग, और इधर 2 भाग, ठीक है। P4 निकालना रहेगा तो 4:1, इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं सारे, ठीक है। सेंटाइल, जिसको हम परसेंटाइल भी कहते हैं, इसमें 100 इक्वल डिवीजन होता है, 99 इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो टोटल परसेंटाइल कितना निकलेगा, 99th निकलेगा, ठीक है। मेथड इसमें क्या होता है परसेंटाइल का, तो ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ओ गिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम से निकालते हैं, या फिर अरिथमेटिक मेथड, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से निकालते हैं। इसका यूजेज कहाँ है, लोकेशन ऑफ परसेंटाइल जानने के लिए, स्टैंडर्ड परसेंटाइल का प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि एज से एक्स कंपेरिजन करने के लिए, वैल्यू ऑफ ये परसेंटाइल वैल्यू ऑफ वेरिएबल का, उसके बाद चिल्ड्रेन का ग्रोथ देखने के लिए, डिस्पर्सन देखने के लिए, डिस्पर्सन अभी नहीं पढ़ाएं, आगे जा पढ़ाएंगे, उसमें इंटरक्वार्टाइल और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम वेरिएबिलिटी लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।